देखिए दोस्तों, यह है पारसी पॉइंट। व्हाट एन ऑसम लोकेशन। देखिए दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हैं महात्मा गांधी का जो फोटो जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली लोहे के कील से बनाया गया है। क्या शानदार लोकेशन है दोस्तों, देखिए। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं सोलो जा रहा हूँ पंचगनी। धूम डैम जाने का भी प्लान है, बट लेट्स सी, पहले पंचगनी जाऊँगा मैं। पंचगनी में कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं और वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा कौन कौन सा पॉइंट है। अभी मैं बेंगलोर हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ। संदीप और इनोज भाई को कल मेरा ऑफिस का कुछ काम था तो कल मैं जा नहीं पाया, तो संदीप और इनोज भाई कल ही चले गए थे। तो आज मैं सोलो अकेला। पहले भी मैं पंचगनी वाई में धूम डैम जा चुका हूँ पहले। आपने अगर मेरा धूम डैम का वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन वॉच। तो बने रहिए मेरे साथ फॉर दिस एडवेंचरस वीकेंड वाइब। सो दिस इज़ न्यू कात्रस टनल। पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ इस टनल में, बट जब भी आओ ऐसा मन करता है जो रिकॉर्ड कर ही लो आज। तो दोस्तों, अभी मैं वाई के और ड्राइव कर रहा हूँ। अभी मैंने बेंगलोर हाईवे से राइट लिया है और प्लान ये है कि पंचगनी में पारसी पॉइंट और सिडनी पॉइंट कवर करूँगा, और रिटर्निंग में अगर टाइम रहा एंड मौसम ने साथ दिया तो एक सह्याद्री बोट क्लब है धूम डैम पे, तो वहाँ भी जाऊँगा। सो दैट्स अ प्लान। सो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ for this weekend drive। आज मैंने बहुत सारे बाइकर्स देखे जो मोस्ट प्रोबेबली महाबलेश्वर जा रहे हैं, तो ग्रुप में आने पे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हम लोग का ज़्यादा बड़ा ग्रुप है ही नहीं। जो KTM का ग्रुप है उसमें आधे लोग कहीं और जाते हैं, मोस्टली लोगों को ऑफ रोडिंग पसंद है तो वो लोग ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे जाते हैं, और मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ ऑफ रोडिंग ट्रेल्स में, तो मैं उनके साथ जाता नहीं।
सो दोस्तों वाई मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो आपने मेरा अगर मैनवली टेम्पल और धोम डैम का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आपको लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट आप देख सकते हैं और यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। पंचगनी में एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं टेबल लैंड, वहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है और वो जगह जो है वो प्लेटो बेसिकली जो वोल्केनो इरप्शन के जो से जो लावा निकलते हैं उससे बना वो प्लेटू है, वो एकदम फ्लैट फ्लैट प्लेटू बोल लीजिए, उसको बोलते हैं टेबल लैंड पंचगनी। आप अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको, वहाँ पे पांडवास के फुटप्रिंट्स हैं और कुछ अलग डिफरेंट स्पॉट्स भी हैं, व्यू पॉइंट्स, उसका भी एक वीडियो है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक 4 मंथ्स बैक पंचगनी में मैंने अपने ऑफिस कलीग्स कम फ्रेंड्स के साथ एक रिसॉर्ट में आया था, तो वहाँ का भी लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ का भी मैंने ब्लॉग बनाया था। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन पंचगनी देन दैट विल बी वेरी सीनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर यू। तो दोस्तों अभी मैं वाई टू पंचगनी घाट पे ड्राइव कर रहा हूँ, ये वो घाट है, यहाँ से महाबलेश्वर 28 किलोमीटर एंड घाट उतरते ही पंचगनी आ जाएगा। पंचगनी शोइंग 10 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। देखिए दोस्तों क्या मस्त सीन हो रहा है। रिटर्निंग में मैं रुकता हूँ एक स्पॉट पे, क्योंकि अभी तो स्पॉट जो है वो राइट साइड में है तो रुकना सही नहीं होगा। वाइल रिटर्निंग आई विल स्टॉप। तो दोस्तों मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है और वाई के पंचगनी के घाट पे ड्राइव करते हुए मस्त एंजॉय कर रहा हूँ मैं। दोस्तों इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ASP_vlogs007। आप मेरे चैनल को द फनी वांडरर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। लोगों का कंप्लेन था कि आपका जो चैनल है वो इजीली सर्चेबल नहीं है, बिकॉज माय चैनल हैंडल इज़ ASP_vlogs007, तो जल्दी याद नहीं होता है, तो मैंने चैनल का नाम जो है हैंडल वही रखा है बट नाम जो है वो मैंने द फनी वांडरर किया है, सो दैट आप इजीली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में एंड मेरा चैनल टॉप पर आता है इफ़ यू आर सर्चिंग द फनी वांडरर। देखिए दोस्तों मेरे राइट में क्या मस्त सीन हो रहा है।
तो दोस्तों ये पंचगनी का मार्केट है और आगे जो आप लेफ्ट टर्न देख रहे हैं, अगर आपको टेबल लैंड जाना है तो यहीं से, ये जो आप शिवाजी महाराज का पुतला देख रहे हैं मूर्ति, यहीं से आपको लेफ्ट लेना होता है टेबल लैंड की तरफ। ये पंचगनी का मार्केट है और यहाँ से आगे आप जाएंगे तो महाबलेश्वर आने वाला है। तो महाबलेश्वर जाने का आज मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि महाबलेश्वर के लिए मुझे पूरा एक दिन भी कम पड़ेगा एक्चुअली सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए। उसको फिर कभी कवर करूँगा। दोस्तों हम पारसी पॉइंट ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 200 मीटर पे दिखा रहा है पारसी पॉइंट। ओके, दिस इज द पारसी पॉइंट। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों यह है पारसी पॉइंट। जैसा आप देख रहे हैं एंट्री पे बहुत सारे स्नैक्स के शॉप्स हैं, आप इजीली यहाँ पे आके खा सकते हैं। क्या शानदार व्यू है, आपको मैं दिखाता हूँ आगे जाके, बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यह है पारसी पॉइंट, व्हाट एन ऑसम लोकेशन। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरबीन टेलीस्कोप की भी सुविधा है, जो ऑब्वियसली पेड है। क्या शानदार लोकेशन है। दोस्तों ये था पारसी पॉइंट, अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ टुवार्ड्स सिडनी पॉइंट। तो सिडनी पॉइंट पे जाके फिर वहाँ का कैप्चर करूँगा, देन आपको दिखाता हूँ मैं सिडनी पॉइंट कैसा दिखता है। एंड देन फिर सिडनी पॉइंट से फिर हम धूम डैम की तरफ जाएंगे, क्योंकि मौसम बारिश जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ फॉर सिडनी पॉइंट। तो दोस्तों जब आप ये पारसी पॉइंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चार्ज एंट्री चार्ज देना पड़ता है, विच इज़ 25 रुपीज़ ओनली फॉर फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स को फ्री है। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन फॉर यू। देखिए दोस्तों यह है सिडनी पॉइंट का मेन गेट। थोड़ा सा चढ़ाई है, विच इज नथिंग बट फॉर एनी व्हीकल, इट्स वेरी इजी।
ये रोड का बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि सामने से अगर कोई कार या फोर व्हीलर आ रहा हो तो आप अगर फोर व्हीलर से हैं तो आपको थोड़ा कट टू कट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए दोस्तों यह है सिडनी पॉइंट, देखिए दोस्तों यह है सिडनी पॉइंट। आज संडे है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, बेसिकली सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं, आपको दिखाता हूँ ऊपर का व्यू। वाह देखिए दोस्तों व्हाट अ सीन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ इस सीनरीज का मज़ा ले सकते हैं। आई फील इट्स सिडनी पॉइंट इज़ बेटर देन पारसी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। सामने जो आप देख रहे हैं वो टेबल लैंड है जिसके बारे में मैं आपको बताया था कुछ देर पहले। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ अभी। देखिए दोस्तों इस पे चलने पे ये हिल भी रहा है, ये लोहे का रोप बोल सकते हैं आप जिससे बना हुआ ये पुल है। चलिए आपको आगे ले चलता हूँ। आप ये पुल पे जब चलेंगे तो पुल हिलेगा
आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट इट्स ऑल सेफ। देखिए दोस्तों क्या सीन है। तो दोस्तों ये था सिडनी पॉइंट, अभी मैं जा रहा हूँ स्वच्छ भारत पॉइंट। ये अभी सिडनी पॉइंट से नीचे देखा तो एक दिख रहा था स्पॉट, उसको सर्च किया तो पता चला ये स्वच्छ भारत पॉइंट है। तो वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। ये सिडनी पॉइंट से नीचे उतर रहा हूँ मैं, और ये सिडनी पॉइंट जाने मेन रोड से जो पंचगनी का जो मेन रोड है, ये सिडनी पॉइंट के लिए जो आप लिफ्ट मारते हैं जब आप पंचगनी से वाई की तरफ आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसी लिफ्ट के इमीडिएट पहले एक लिफ्ट आता है हार्डली 3 meters, लिटरली इट्स 3 meters बिफोर सिडनी पॉइंट का जो टर्न है। तो वो रोड आपको लेके जाएगा स्वच्छ भारत पॉइंट पे। चलिए मिलते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत पॉइंट पे। ये दोस्तों ये मेन रोड है और यहाँ से सिडनी पॉइंट के बाहर से हम निकले और ये राइट लेना है आपको फॉर स्वच्छ भारत पॉइंट। रोड पे आपको छोटे छोटे बोर्ड भी दिख जाएंगे जो मेंशन करते हैं वे टू स्वच्छ भारत पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे। तो नीचे कहीं ऐसा बोर्ड तो नहीं लगा है, ऊपर लिखा है द कैनियन और नीचे लिखा है हाई फ्लाई पैराग्लाइडिंग पंचगनी। तो नीचे पहले नीचे जाते हैं दोस्तों, फिर लौटते समय फिर ऊपर जाएंगे, फिर देखते हैं ऊपर क्या है। सो वी आर गोइंग टू पैराग्लाइडिंग पॉइंट। देखिए दोस्तों मेरे लेफ्ट में क्या शानदार सीन हो रहा है। दिस इज धूम डैम एंड वी आर इन पंचगनी एज ऑफ नाउ। तो दोस्तों हमने जो नीचे वाला रोड लिया था, यहाँ पे कुछ रिसॉर्ट्स हैं और ये हाई फाई पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। मुझे शायद राइडिंग ड्रेस में देख के कुत्ता डर गया था, एक डॉग, और अटैक करने का कोशिश किया जो यूजुअली गली के कुत्ते करते हैं। तो दैट्स फाइन। तो दोस्तों नीचे वाले रोड पे आके फ़ायदा नहीं है, ये रोड पे कुछ है नहीं बेसिकली, रोड आगे जाके ख़त्म हो जाता है। मुझे लगा था नीचे कहीं डैम के पास लेक के पास जाएगा रोड, बट ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग दोस्तों
ऊपर वाला रोड लेंगे जो अभी आपको कुछ देर पहले मैं दिखाया था, वो स्वच्छ भारत पॉइंट की तरफ जाएगा। बाय द वे आप ये संदेश का मजा लीजिए। तो दोस्तों अभी हमने यहीं से नीचे गए थे और ये द कैनियन जो लिखा है इधर ही जाना है फॉर स्वच्छ भारत पॉइंट। मैंने मैप नहीं लगाया था, मैं सोचा रास्ता क्लियर कट है पहुंच जाऊंगा, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यहाँ भी वाई सेक्शन आएगा। ओके, द कैनियन जो दिखाया था वो एक रिसॉर्ट का नाम है। तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं स्वच्छ भारत पॉइंट। देखिए दोस्तों ये है स्वच्छ भारत पॉइंट। आपने गूगल पे इसका फोटो देखा रहेगा, पंचगनी हिल स्टेशन म्युनिसिपल काउंसिल। देखिए दोस्तों स्वच्छ भारत पॉइंट जीरो गार्बेज टाउन। देखिए दोस्तों ये सामने जो आप देख रहे हैं महात्मा गांधी का जो फोटो जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली लोहे के कील से बनाया गया है। क्या शानदार लग रहा है नहीं? सो दिस इज स्वच्छ भारत व्यू पॉइंट। आपको मैं और दिखाता हूँ, वे बने रहिए मेरे साथ। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। देखिए दोस्तों क्या शानदार लोकेशन है। ये एक एम्पीथिएटर जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। आई होप यहाँ पे कुछ ऐसा लाइव शो जैसा होता रहेगा कभी तो। क्या शानदार लोकेशन है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये था स्वच्छ भारत पॉइंट, स्वच्छ भारत व्यू पॉइंट। ये अच्छा फ्लावरिश गार्डन इन्होंने बना रखा है, शानदार लोकेशन लगा मुझे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। और वो जो आप सामने देख रहे हैं ऊपर, वहीं से मैंने इसको देखा था ये पॉइंट को। तो वो जो सामने देख रहा है आपको ऊपर टावर के पास, दैट इज सिडनी पॉइंट। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ क्लिफ हैंगर पॉइंट पे। ये बेसिकली पंचगनी घाट जो है, इस घाट से मैं आया था उसी रोड पे पड़ता है, बट आप जब पंचगनी आते हैं तो वो राइट हैंड साइड पे पड़ता है। इसके लिए मैंने उसको ऑप्शन में रखा था कि जब मैं लौटूंगा तब मैं जाऊंगा यहाँ पे, जिसको ग्रीक पॉइंट भी बोलते हैं।
दोस्तों आपको ज्वाइन करता हूँ मैं क्लिफ हैंगर पॉइंट पे पहुँच के। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं क्लिफ हैंगर पॉइंट, ग्रीक पॉइंट भी बोलते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब आप एंट्री लेंगे तो ये एंट्री फ़ी है बाइक का 20 रुपीज़, कार का 50 रुपीज़ एंड बस का 100 रुपीज़। इसको हैरिसन पॉइंट या फिर ग्रीक पॉइंट भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने ट्रैवल को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये लोकेशन फ़ोटोशूट के लिए एकदम शानदार है। आप अपने फोर व्हीलर से या टू व्हीलर से आइए यहाँ पे, और बहुत ही फोटोजेनिक काइंड ऑफ लोकेशन है यहाँ पे। बहुत बड़ा प्लेटू है ये। तो दोस्तों मैं अभी हूँ ग्रीक पॉइंट पे, इसको हैरिसन पॉइंट भी बोलते हैं, और गूगल में इसको क्लिफ हैंगर पॉइंट से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये पंचगनी जो घाट का जो मेन रोड है उसी पे आता है एग्जैक्टली। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमल राइड भी होता है। देखिए दोस्तों ये ग्रीक पॉइंट का आपको मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था पंचगनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ASP_vlogs007। आप मेरे चैनल को द फनी वंडरर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग्स में।